नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने आजकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति कोविंद ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी और राज्यपाल की काफी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई देशों के कारोबारी प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है। उन्हें इलाज के लिए कल रात एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात की जानकारी अमित शाह के आधिकारिक ट्विटर पेज से दी गई। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए हर कोई जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। इसी के चलते कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद ने उनकी तबीयत को लेकर विवादित बयान दिया है। हरिप्रसाद ने कहा, स्वाइन फ्लू को हिंदी में सुअर का जुकाम कहते हैं। कर्नाटक सरकार को हाथ भी लगाया तो उनको और भी खराब बीमारी हो जाएगी। ये यहाँ के लोगों का श्राप है। आपको बता दें, अमित शाह इस समय स्वाइन फ्लू से ग्रसित हैं। मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में नए सुरक्षा और नियमों के साथ डांस बार दोबारा खोले जा सकते हैं, लेकिन अब बार में पैसों की बारिश नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों की निजता का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें काफी तेज बुखार है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। कुमारी लड़कियों को सील बंद बोतल बताकर हंगामा खड़ा करने वाले प्रोफेसर कनक सरकार के पढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। इनके अलावा उसके सभी अधिकार भी छीन लिए गए हैं। आपको बता दें, कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रोफेसर ने अपने फेसबुक पर लिखा था, क्या आप टूटी हुई सील वाली शीतल पेय की बोतल या बिस्किट का पैकेट खरीदना पसंद करेंगे? यही स्थिति आपकी पत्नी के साथ भी है। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसे वायरल कर दिया। इसके बाद से इसे लेकर काफी हंगामा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शिवपाल यादव ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मायावती पर ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ये लोग पैसों के लिए टिकट बेचते हैं। इसके अलावा शिवपाल ने 1985 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मायावती ने सपा के नेताओं के साथ साथ मुझ पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया था। NIA ने उत्तर प्रदेश में कई शहरों में छापेमारी की है। ये छापेमारी रामपुर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ और अमरोहा में की गई। आपको बता दें, बुलंदशहर से एक और हापुड़ से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे टीम पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना में छापेमारी के दौरान टीम को कई जरूरी जानकारी मिली है। यहाँ भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। दिल्ली के खयाला में मामूली कहासुनी पर एक शख्स ने परिवार पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति की अस्पताल में मौत हो गई। इस दौरान बेटा भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सभी तमाशबीन बने रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com।